नमस्कार, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंडियन स्कूल्स विंटर हॉलीडेज एस क्रिसमस। तो ये है नॉट योर टाइप की वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ और एंजॉय करते हैं आज वीडियो को। क्रिश्चियन स्कूल में था तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस से सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर फिफ्थ बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्की के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़े बहुत बच्चे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। और नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो डाइटिंग चल रही है 125 किलो से 125 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला मैडम? सारे यही पर लगकर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नीले रे लट्टू मत दे। अरे भाई सब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कमोन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से क्रिकेट क्रिकेट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा, लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा। सारी उम्र में जोकर बढ़िया रहा। पापा बात तो सुनो, पापा ऊपर पंखा है यार। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जिंदा हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था, तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के भाग जाते थे उधर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12 साल 12 साल 12 साल। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचिया स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको बेटे, पापे पापा मुझे नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12 हजार 12 हजार 1 12 हजार 2 3 4। अरे बच्चों कहीं छोड़ दूंगा गाड़ी से? सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच कर रहे हो? मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितनी ऊपर उछला था? पापे ने ये बात कैसे मारी? ऑप्शन ए, पनीर का पराठा खा के, या ऑप्शन बी, प्याज का पराठा खा के, या ऑप्शन सी। सर जी, ऑप्शन ए लग रहा मेरे को तो। चला चुप, बीच में कैसे बोला तू? और बैठा कैसे है? खड़ा चल, पुलिस स्टेशन है तेरे बाप का घर नहीं। सर जी मुझे तो लगा मैं खून मने का करोड़। क्या खून मने का करोड़ पति? अपने आस पास देख और खड़ा क्या है? जमीन पे बैठ, चल बैठा किसी मुझे। हाँ चल खड़ा हो, चल ये दब के खड़ा हो, चल दब के बोला है, दब के चल। क्या हो रहा भाई यहाँ पे? सज्जनों, आपको ऐसे फालतू के ओपिनियन देकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारा इंडिया फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप प्रोमो इजी ऐप से भी असोनो में आंसर देना है आपको। जिस भी कैटेगरी में आपका नॉलेज है आप उसी में ओपिनियन दीजिए, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब एक्सेट्रा। ट्रस्टेड ऐप 2 करोड़ से ज्यादा यूजर से आए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कौन जीतेगा? मेरे को लग रहा है सारा इंडिया जीतेगी। आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं। अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल, वो भी काफी इजी है। पेटीएम, यूपीआई, जो भी आप चाहे, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे लिंक
से डाउनलोड कर लीजिए, 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। अब जाके वीडियो देख चल। हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू, जिस भी खम्बे पे मुंह दूं गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मुंडा है। और क्या ही मुंडा है, तो मैं कहा था शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। छे आया मगर शेरू भाई जैसे ऐसे नहीं खेलता है। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँटे आड़ा चलता है, अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्याला है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटिया है। अबे और सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओए चली चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू, मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बूट में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला तो सरदार तू खोल। बाय गाइस, बाय। बहुत खतरनाक वीडियो थे यार, मजा आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर। बाय बाय।